विजिलेंस की टीम ने श्रम विभाग के अधिकारी सुरेंद्र को 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। करनाल के पुराने बस स्टैंड से आरोपी सुरेंद्र कन्यादान योजना की राशि पास करवाने की एवज में चुरनी गांव के एक परिवार से मांग रहा था रिश्वत। पुलिस ने किया मामला दर्ज, आज किया जाएगा कोर्ट में पेश। आरोपी रिटायरमेंट के बाद दोबारा फिर से श्रम विभाग में लगा था डीसी रेट। सरकार गरीब जनता के लिए कई योजनाएं बनाकर उन तक लाभ पहुंचाने का काम कर तो रही है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी उनकी योजनाओं से मिलने वाले लाभ को गरीब जनता तक पहुंचाने में कई कठिनाइयां पैदा कर रिश्वत मांग योजनाओं को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। मामला करनाल के श्रम विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें सुरेंद्र नाम का अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद दोबारा डीसी रेट कर इसी विभाग में कार्यरत है। चुरनी गांव के रहने वाले एक मजदूर परिवार में कन्या निशा की शादी थी, जिसने सरकार की योजना मुख्यमंत्री कन्यादान की राशि 1,00,000 रुपए के लिए प्रार्थना पत्र दिया हुआ था। उसी कन्यादान की राशि को पास करवाने हेतु आरोपी सुरेंद्र ने 50,000 रुपए की मांग की, बाद में 40,000 देने की सहमति बनी, जिसकी शिकायत निशा ने विजिलेंस विभाग करनाल में की। आज विजिलेंस की टीम ने सुरेंद्र को करनाल के पुराने बस स्टैंड के पास बने अटल सेवा केंद्र के पास 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आज कोर्ट में पेश कर आगे की कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। सर, ये लेबर डिपार्टमेंट से है, जो लड़कियों को कन्यादान मिलता है उनकी कापियों से, जो जैसे गांव में लेडीज होती है मजदूर करती है, उनकी कापियों पे कन्यादान मिलता है 1,00,000 रुपया। ठीक है सर, इन्होंने सर ने सुरेंद्र कुमार फुलिया ने मेरे से 4,000 रुपये की मांग की है, और अगर मैं उनको पैसे नहीं देती हूँ 50,000 रुपये, तो वो मेरे केस को वापस करके और रिजेक्ट कर देंगे। तो आपने कितने पैसे में? तो इन्होंने मेरे ने रिकॉर्डिंग की है सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मैं हमेशा रिकॉर्डिंग करती हूँ फोन में। कितने पैसे आज दिए थे? तो इन्होंने मैंने इनसे गुजारिश की है कि 50,000 से कम करें मेरे पैसे, तो इन्होंने मेरे 40,000 रुपये तक इन्होंने मेरे से कहा कि 40,000 रुपये दे दें, और मैंने इनको फ़ोन करके बस स्टैंड अटल सेवा केंद्र है जो बैक साइड में, वहाँ पे बुलाया और उनको अपने हाथों से मैंने पैसे दिए 40,000 रुपये। आपने शिकायत कहाँ दी थी? सर, मैंने शिकायत यहीं पर दी है। हाँ जी सर, मेरा नाम कविता है, मैं गाँव चुरनी से रहने वाली। कविता चुरनी गांव की है, उसकी बुआ की लड़की की शादी थी, जिसके लिए AWO सुरेंद्र कुमार ने 40,000 रुपये की रिश्वत की मांग करी, जो कन्यादान स्कीम योजना के सरकार की योजना है, जिसमें 1,00,000 रुपये का अनुदान सरकार देती है, जिस पर उसने एक शिकायत लिखी हमारे बारे पेश की, जिस पर इंस्पेक्टर कानू प्रिया को रिपोर्ट किया, टीम का गठन करके उपायुक्त महोदय से मंजूरी लेकर और बी डी पी ओ साहब ड्यूटी में से नियुक्त करवा कर रेड करी, जहाँ पर 40,000 की नकद राशि के साथ AWO सुरेंद्र कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कितने हज़ार रिश्वत मांगी थी इसने? 50,000 मांगी थी, 40,000 में इनकी सेटलमेंट होगी और 40,000 के रुपये नकद बरामद। पहले किस पोस्ट पे था, यहाँ पे क्या कार्रवाई की जाएगी? प्रचार कर रहे हैं, कर दिया गया इसके खिलाफ, और इसको इसकी रीज्वाइनिंग है। ये AWO थे सोशल विभाग में, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर थे, जो अब ये दोबारा सहायक लेबर अधिकारी एक से। तो ये कम इनकी 2019 होगी चुरनी गांव। ये कौन सी स्कीम के तहत ये पैसे थे? कन्यादान जो सरकार देती है, 1,00,000 रुपए का अनुदान सरकार देती है कन्या, जिसमें 40,000 रुपये की रिश्वत। रिटायर होने के बाद इन्होंने जो ज्वाइनिंग की तो 40,000 रुपये की रिश्वत, तो पहले कुछ जांच होगी कि पहले कोई मामला था इनकी? अभी पहले की हम देखेंगे, इस बात का जो भी है कोई शिकायत आएगी उसकी जांच करेंगे। फिलहाल मैंने इस पर पर्चा दर्ज कर दिया है और जांच करेंगे।